असलम स्टूडेंट्स बी अटेंटिव प्लीज बेटा टुडेज टॉपिक इज़ सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस फ्रेज एंड आल्सो डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज एज वेल एज विल आल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेंटेंस सो बेटा अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विच एक्सप्रेसिज अ कम्प्लीट आइडिया अब सेंटेंस को सिम्पल वर्ड्स में बटा अगर हम कर लेना तो सेंटेंस इज अ सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कम्प्लीट मीनिंग आइडिया अंडरस्टैंडिंग और सेंटेंस ऑल ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस का हमेशा सब्जेक्ट भी अपना होता है वर्ब भी अपना होता है और सेंटेंस जो है वो हमेशा कम्प्लीट मीनिंग देता है अब यहाँ पे साथ देखें कि सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ पीरियड क्वेश्चन मार्क एंड एक्स एक्सक्रमेशन मार्क सेंटेंस कैन बी एंडेड ऑन एक्सक्रमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप तो ये इसकी टाइप पे डिपेंड करता है अब इसकी एग्जांपल्स देख ले ऑल यू नो वेरी वेल के सिंपल सेंटेंस की जब हम बात करते हैं सेंटेंस की जब हम बात करते हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ें होनी जरूरी हैं और उसके साथ वो कम्प्लीट मीनिंग्स दे तो अब सेंटेंस के पार्ट्स की अगर हम बात कर लें तो सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं बेटे एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है सिंपल इन सिंपल वर्ड्स यू मस्ट की उिटर इन योर माइंड के सब्जेक्ट जो होता है इट्स अ डूअर ऑफ एक्शन अब फिक्रे के अंदर अगर एक्शन वर्ब है तो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होगा अदरवाइज पूरे का पूरा फिक्र जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो सब्जेक्ट होगा uh, तो इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच परफॉर्म सम एक्शन इन अ सेंटेंस इज इज सब्जेक्ट सब्जेक्ट समाइम्सो डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज बीन स्पोकन अबाउट अ सेंटेंस अब मेरा बेटा जिसके बारे में पूरा सेंटेंस डिस्क्रिप्शन दे रहा है या जो सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन है वो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट कैन बी नाउन प्रोनाउन नाउन क्लॉज आर प्र... नाउन फ्रेज प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जितना भी पार्ट है वो सारे का सारा प्रेडिकेट होगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज़ फ्लाइंग अ काइट तो ही सब्जेक्ट है और बाकी सारे का सारा प्रेडिकेट है नदीम इज़ ड्राइविंग अ कार नदीम सब्जेक्ट है बाकी सारे का सारा प्रेडिकेट है तो अब नीचे ये ज़रा सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की हम डेफिनीशन को देख लें तो सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन अबाउट विच समाइम्स इज टोल्ड इन अन्टेंस और प्रेडिकेट विच टेल्स समथिंग

दो टाइप होती है एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली फॉलो करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड नेम द रिसीवर ऑफ द एक्शन आई थ्रू द बेस बॉल अब थ्रू वर्ब है द बेस बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इट इज अउन ऑफ Pronoun that comes before or behind a direct object and tells to whom or for whom or what the action is done. I gave the ball to. टू मुदसर आई गेव द बॉल टू मुदसर अब यहाँ पे देख लें यहाँ पर बेटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो अगर वो डायरेक्टली वर्ब को फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा अदरवाइज मेरा बेटा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को देख लें पहले सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को देख लें सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या इट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड डिस्क्राइब्स आर कम्प्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट अब ये बुनियादी तौर पर वर्ब नहीं होता ये सब्जेक्ट के बारे में ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर और सब सब्जेक्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है दीज कैन बी नाउन आई एम द मैनेजर और अजेक्टिव ही इज टू स्टूप उसके बाद देख ले बेटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है इट इज़ लाइक अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बट अप्लाइड टू समथिंग एल्स अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स आर कम्प्लीट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मीनिंग दिज कैन ऑल्सो बी नाउंस आर अजेक्टिव लव मेक्स द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस येस आई एम कॉलिंग यू रिडिकलेस अब ये मेरा बेटा ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो है ये ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो है ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात कर लें तो सेंटेंस की काइंड्स जो हैं वो मेरा बेटा सिमेंटिक बेसिस पे हो सकती हैं और सेंटिक बेसिस पे हो सकती हैं इन सिंपल वर्ड्स मीन टू से अगर हम बात कर लें इसकी टाइप्स की तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू फंक्शंस हो सकती हैं और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हो सकती हैं तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर द कांड ऑफ सेंटेंस ऑन द बेस ऑफ मीनिंग्स अगर मीनिंग्स के इस पर हम बात करते हैं बेसिस पे बात करते हैं तो सबसे पहले डेक्लेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असरशन इज कार्ड डेक्लेटिव सेंटेंस सिंपल वर्ड्स में बेटा डेक्लेटिव के लिए आप स्टेटमेंट का वर्ड यूज़ कर लें तो आप याद रख सकते हैं कि डिकलेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी स्टेटमेंट स्टेटमेंट कैन भी नेगेटिव स्टेटमेंट कैन भी पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन भी इम्फेटिक उसके अंदर असर्टिव का एलिमेंट भी आ सकता है तो स्टेटमेंट का वर्ड आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए याद रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो अ सेंटेंस दैट क्वेश्चन सिंपल वर्ड में इंट्रोगेटिव के साथ आप क्वेश्चन को याद रख लेंगे जैसे डिक्लेरेटिव के साथ आपने स्टेटमेंट का वर्ड याद रखा इंट्रोगेटिव के साथ आप क्वेश्चन का वर्ड याद रख लेंगे देन है इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको तीन वर्ड्स याद रखने होंगे कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट कमांड एडवाइस और रिक्वेस्ट अ सेंटेंस That expresses a request, command or advice is called an imperative, uh, imperative sentence. अब imperative sentences में normally बेटे क्या होता है कि हम नहीं बोलते subject. जैसे मैंने कहा open the door. कीप कॉइट सिट डाउन प्लीज हेल्प मी गेट लॉस्ट तो अब इसमें हमने तो कभी सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं है तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन अंडरस्टूड होता है उसके बाद एक्सक्रमेटरी आ गया एक्सक्रमेशन आप समझ सकते हैं कि साइन ऑफ एक्सक्रीमेशन भी आप लोगों को आइडिया है इन सेंटेंसेज में साइन ऑफ एक्सक्रमेशन होता है जो दैट इज़ फेंटेस्टिक के आगे लगा हुआ है उर्दू में इसी साइन को निदाया भी बोलते हैं फिजाइया भी बोलते हैं और इस्तेजाबिया भी बोलते हैं सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रोंग फीलिंग्स आर इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्रीमेटरी सेंटेंस दिस सेंटेंस एक्सप्रेस सरप्राइज जॉय सौरो एप्रिसिएशन लव एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन एंगर और ये बेटे जो मैंने मतलब आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको ना गलती जैसे सेंटेंस एक्सप्रेसिज आना चाहिए था एक्सप्रेस लिखा हुआ है तो ये वो वाला शायद ओपन हो गया फोल्डर मुझसे जो प्रूफ रीडिंग के बगैर था एनी आप इसमें देख सकते हैं ये बड़ी एक माइनर सी बात है तो इसमें आप देख लें जी आपने देखा कि एक्सक्रमेट्री हमने सेंटेंस की चार टाइप्स की बात की है डिकलेटिव है इंट्रोगेटिव है इम्पेरेटिव है और एक्सक्रमेट्री है अब अगर हम फ्रेज की बात कर लें तो इन सिंपल वर्ड्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेवर गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग नॉट हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रेज इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू सेंटेंस सेंटेंस के बिल्कुल है फ्रेज का सेंटेंस मीनिंग देता है फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी अपना होता है और वर्ब भी अपना होता है फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट अपना होता है ना वर्ब अपना होता है अब यहां पर देख लें ही इज स्टैंडिंग नियर अ वॉल तो नियर अ वॉल जो है ये फ्रेज

दैट फंक्शन एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस उसके नीचे फिर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट अब अ नाइस रेड शर्ट ये एज अ नाउन भी यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हुआ है तो ये आगे इन सब की कैटेगरीज लिखी हुई हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्शन फ्रेजिज आर डिवाइडेड इंटू वेरियस टाइप्स नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज एड वर्फ फ्रेज एजेक्टिव फ्रेज और अ पॉजिटिव फ्रेज इंफिनिट फ्रेज पार्टिसिपल फ्रेज एंड जैरन फ्रेज़ ये इनकी फॉर्मेशन की बेस पे जो है मेरा बेटा ये फ्रेजेस की टाइप्स हैं उसके बाद आप देखेंगे जी क्लॉज क्लॉज बुनियादी तौर पे इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट

नहीं होता दोनों कंप्लीट मीनिंग भी देते हैं और दोनों का सब्जेक्ट भी अपना है और वर्ब भी अपना है तो वी कैन से दैट सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज लेकिन फ्रेज में में और डिपेंडेंट क्लॉज फर्क होता है फ्रेज भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और डिपेंडेंट क्लॉज भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब अपना होता है जबकि फ्रेज के अंदर इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती तो अब अगर हम देख लें काइंड ऑफ सेंटेंस एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप सेंटेंस की टाइप्स को देखते हैं तो आपको फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की भी बुनियादी तौर पर समझ आ जाएगी और इसमें साथ हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन को भी ताकि आपको आइडिया क्लियर रहे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब कंजंक्शन का तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बात करें सेंटेंस की मेरा बेटा स्ट्रक्चर की स्टडी को हम सिंटेक्स बोलते हैं तो अब अगर फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेनिंग अ अ सब्जेक्ट एंड एंड वर्ब इट अ कंप्लीट थॉट देयर इज नो डिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो ये बेटे वही बात है जो मैंने आपको कही कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस दोनों कंप्लीट मीनिंग भी देते हैं दोनों के अंदर सब्जेक्ट भी अपना होता है और वर्ब भी अपना होता है अब यहाँ पे देख लें जी कि शी इज़ इटिंग एन एप्पल या ही लाफ्ट ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हैं और सिंपल सेंटेंस भी हैं देन देखें जी अंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंट बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती है ये फैन बॉयज़ होती है फॉर है एंड है नॉर है बट है येट है सो so है तो फैन बॉयज़ कंजंक्शन जब दरमियान में आएगी तो याद दोनों साइड पे इंडिपेंडेंट पर होंगे और दोनों साइड पे इंडिपेंडेंट पर होंगे तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे और कंपाउंड सेंटेंस के दरमियान में हम सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं आई लाइक एन एप्पल बट माई ब्रदर लाइक्स बट माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज ये आ मैंगोज नहीं मैंगोज कर लें आई लाइक एन एप्पल बट माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज तो आई हेल्प हिम एंड ही बिकेम हैप्पी आई हेल्प हिम एंड ही बिकेम हैप्पी अब यहां पे देखिए बट लगाओ और एंड लगाओ ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अगर इन फिक्रों को लदा लैदा कर लेंगे एंड और बट को छोड़कर तो ये कंप्लीट मीनिंग्स देंगे इसी तरह से कंप्लेक्स सेंटेंस पे आ जाते हैं तो कंप्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लास्ट वन डिपेंडेंट अब वन इंडिपेंडेंट होगा और वन डिपेंडेंट होगा तो यह कंप्लेक्स सेंटेंस होगा तो अब कंप्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजेंशन है फैन बॉयज के अलावा जितनी भी कंजंक्शन है वह सारी की सारी हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लॉज से भी पहले लग जाए ये उसको सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना देती है अब देखिए आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी अब आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी हु हैड हेल्प मी मेरा बेटा ये क्या है ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग ये हमारे पास बुनियादी तौर पर डिपेंडेंट क्लॉज है ही इज़ वेयरिंग अ शर्ट विच लुक्स नाइस अब विच लुक्स नाइस जो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लाज है तो ये बुनियादी तौर पर कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लाज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है अब देख लेते हैं जी कम्पलेक्स कम्पाउंड सेंटेंस को इट इस में इसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाजेज़ होंगे और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा दोनों इंडिपेंडेंट क्लाजेस जुड़े होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से और एक जो डिपेंडेंट क्लॉज है उससे पहले सब ऑर्डिनेटिंग कंजेंशन लगी होगी ही वेन टू कॉलेज आई

हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गया तो इट्स ऑल अबाउट सन्टेंस फ्रेज एंड क्लॉज आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आप गो थ्रू करेंगे इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन अब बुनियादी तौर तो पर बेटे आप देख लें कि आज के लेक्चर में इसको अगर हम समराइज करते हैं सम अप करते हैं तो हमने बात की कि सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रेज़ क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेवर गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग नॉट हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब क्लॉज क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट समाज गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड समाइम्स डज नॉट गिव जब कम्प्लीट मीनिंग देता तो इंडिपेंडेंट क्लाज होता है जब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता तो डिपेंडेंट क्लाज होता है और फिर हमने कहा कि इंडिपेंडेंट क्लाज में और सिंपल सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं होता फिर हमने सेंटेंस की टाइप्स की बात की पहले हमने मीनिंग्स के एतबार से बात की तो डिकलटिव स्टेटमेंट को बयान करते हैं इंटोग्रेटिव क्वेश्चन को उसके बाद इंपेरेटिव ऑर्डर को रिक्वेस्ट को एडवाइस को बयान करता है और उसके बाद एक्सक्रमेटरी जो है वो सडन इमोशन एक्सप्रेशन फीलिंग्स को बयान करता है फिर हमने सेंटेंस की टाइप्स की बात की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं कंप्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है और कंपाउंड कंप्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट करेंगे इसको आप गो थ्रू करेंगे इसको प्रिपेयर करेंगे और जो कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं और कल जो है वो आपका मैंने टेस्ट का स्केजल शेयर किया हुआ था कल इसमें से आप लोगों का टेस्ट होगा और मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसके टेस्ट शेयर करूँगा कल को और टेस्ट के बाद इसकी डिस्कशन फिर टेस्ट में जो आप लोगों का प्रॉब्लम हो गए प्रॉब्लम्स होंगी उनके उनको डिस्कस करेंगे हम तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिर्फ हर टाइप के अकॉर्डिंग जो इसकी बुनियादी तौर पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो ट्राइप्स हैं इनसे रिलेटेड ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेपर में कई एम पूछा जा सकता है तो इसमें मैंने आपको कहा था कि हम सेल्फ़ राइटिंग या अपना एक्सप्रेशन भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो हर टाइप के आप अगर पाँच पाँच फिक्रे लिख के इसकी सेल्फ एफ़र्ट करेंगे थोड़ी सी तो दे आप देखिएगा कि किस तरह से आपको वो जो आपके आइडियाज़ हैं आपके वो आपको आर्टिकुलेट करने आएंगे और आपका जो एक्सप्रेशन है राइटिंग का वो होगा थैंक यू वेरी मच ब्लेस्ड ऑल ऑफ़ यू अल्लाह हाफिज़ इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन पुट योर क्वेरी इन द ग्रुप थैंक यू